समाजवादी पार्टी महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव ने चंदौसी में महिला जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के उपरांत महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी एवं जिला पंचायत सदस्य शकुन प्रेमी के आवास पर पत्रकार वार्ता की। शकुन प्रेमी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं ने वंदना यादव का जोशीले नारों व फूल मालाओं के साथ चांदी का मुकुट तथा शॉल उड़ाकर भव्य स्वागत किया। वंदना यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में न महिलाएं सुरक्षित हैं और न बेटियां सुरक्षित हैं। प्रदेश की आधी आबादी में भयंकर रूप से असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई है। महिलाओं व बच्चों के साथ होते बलात्कार, छेड़छाड़ तथा हत्याओं की घटनाओं के कारण कानून से विश्वास ही उड़ गया है। जो योजना अखिलेश यादव जी की सरकार में 1090 महिला सुरक्षा, कन्या विद्याधन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, समाजवादी महिला पेंशन को बंद कर दिया गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती यादव ने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा तथा उनके हक के लिए 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करें, जिससे कि उनको हक मिल सके और सुरक्षा मिल सके। कार्यक्रम में असगर अली अंसारी, कृष्ण मुरारी शंखधार, सतीश प्रेमी, राजेश कुमारी यादव, संगीता यादव, विमलेश कुमारी, शोभित प्रेमी आदि उपस्थित थे। सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना जी का आपके आवास पर आगमन हुआ है, क्या कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना यादव जी आज संभल जिले के दौरे पर आई थी। उन्होंने महिलाओं का जनसंवाद कार्यक्रम भी किया था और कार्यक्रम के बीच उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी का संदेश महिलाओं तक पहुँचाया। उसी क्रम में, क्योंकि जिला पंचायत की सदस्य शकुन प्रेमी जी मेरी पत्नी भी हैं, उनका भी आवास है, वो शकुन प्रेमी जी के कहने से आवास पर आई थी, जहां उनका स्वागत किया गया और महिलाओं को उन्होंने संदेश दिया कि ये भाजपा की जो सरकार है बहुत गूंगी भरी सरकार है, महिलाओं को लगातार उत्पीड़न हो रहा है, महिलाएँ सुरक्षित नहीं हैं। अगर आने वाले समय में महिलाएँ सुरक्षित चाहिए, उनको अधिकार चाहिए आदि आबादी को, तो ये कहा वंदना यादव जी ने कि माननीय अखिलेश यादव जी का प्रदेश में मुख्यमंत्री आके आना बहुत जरूरी है, जभी आदि आबादी को उनका हक, उनका सुरक्षा मिल पाएगी। आपका आगमन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? आगमन हुआ है, मुझे जनसंवाद करना है महिलाओं से, युवाओं से जनसंवाद करना है, समाजवादी की विचारधारा जन जन तक पहुँचाना। महिलाओं को लेकर अभी आप कह रही थी कि महिलाएं असुरक्षित हैं, क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश में क्या स्थिति है और किन जागृति को लेकर समाजवादी पार्टी काम कर रही है? इस चीज़ से आप भी अनजान नहीं है, आप मीडिया वाले हैं, आपको ज़्यादा जानकारी है। महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन बलात्कार, रोज बलात्कार की घटनाएं होती हैं, जिसमें शासन प्रशासन भी सुनवाई नहीं करता महिलाओं की। महिलाएं परेशान होकर आत्महत्या करने में मजबूर हो जाती है। महिला सुरक्षा कानून को लेकर समाजवादी पार्टी दावे करती रही है, क्या 2022 के चुनाव में यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या महिला कानून पास होगा? बिल्कुल जरूर पास होगा।